दोस्तों आज के डेट में जॉब पाना कितना मुश्किल हो चुका है, खासकर गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे तो आप लोग जानते होंगे कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है कि जीके का, तो जिसमें से 25 नंबर आज के टाइम में जीके आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुका है, खासकर करेंट अफेयर्स। तो अगले दिनों में क्या होता था कि करेंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, यहाँ पर करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीके, जीके जो पार्ट है उसके। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 जी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में कितने सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को कितना सारा अवार्ड दिया गया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों देरी ना करते दोस्तों चलिए आप शुरू सभी कर जानते लेते हैं कि हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल आप लोगों को दिया जाता है। तो इसमें जो है तीन तरह के होता है, यहाँ पर राजीव गांधी खेल अवार्ड होता है, उसके बाद यहाँ पर अर्जुन अवार्ड होता है, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का होता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोच को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 2019 में कितना सारा मेंबर को यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर 12 मेंबर का एक सिलेक्शन कमेटी बैठाया गया था, जिसका हेड कर रहे थे जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज थे। तो उसी के साथ मेंबर थे यहाँ पर मेरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, अंजुम चोपड़ा, तो इन सब मेंबर थे स्पोर्ट्स, और कुछ मेंबर थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के। तो इन सब मेंबर ने मिलकर, 12 मेंबर ने मिलकर यहाँ पर जो है ये लिस्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे ये जो अवार्ड आप लोगों को दिया जाएगा वो 29 अगस्त को आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि ये जो डे है एक मेमोरेबल डे है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर जो है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे हुआ था। तो यहाँ पर खेल दिवस भी इसको मनाया जाता है, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पर जो है मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें, तो ये जो है हाई स्पोर्ट्स ऑनर्स ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जितना सारा अवार्ड दिए जाते हैं तो उसमें से ये जो है ये हाइस्ट दिया गया है। तो ये शुरू किया गया था 1991 से लेकर 92 के बीच में। इस अवार्ड में सिलेक्शन के लिए आप लोगों का जो प्रीवियस 4 ईयर का परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखा जाएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया जाएगा। दोस्तों इस अवार्ड में दिया जाता है जो आप लोग देख रहे हैं ये मेडल आप लोगों को दिया जाएगा, उसके साथ आप लोगों को एक सर्टिफिकेट, सेरेमनी डेस्ट और कैश प्राइज आप लोगों को 7.5 लाख रुपीज़। दोस्तों इसका जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद, आप लोग सभी जानते हैं उनको, बहुत बड़े चेस प्लेयर है। तो यहाँ पर यंगेस्ट रिसिपिएंट की बात करते हैं, यहाँ पर जो है अभिनव बिंद्रा, जिनको 18 साल में ये अवार्ड मिला था। यहाँ पर अगर हम 2019 की बात करें, तो 2019 में यहाँ पर जो है दो खिलाड़ी को यहाँ पर दिया गया है, एक है बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, एक है दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स से, जो कि है 2019 के लिए, इन दोनों को ही सिलेक्टेड किया गया है। दोस्तों अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 38 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड अभी तक दिया चुका है, जो कि 2019 को लेकर हमें बात आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं जो है हमारा अर्जुन अवार्ड, जिसको शुरू किया गया था 1961 में। इसको यहाँ पर जो है ये अवार्ड आप लोग देख रहे हैं राइट साइड में जो दिया गया है, इस अवार्ड को आप लोग को दिया जाता है, उसके साथ आप लोग को जो है 5 लाख रुपीज़ एक कैश प्राइज भी आप लोग को दिया जाता है। तो इस साल मतलब 2019 में यहाँ पर 19 स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर जो है दिया गया है ये अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है रविंद्र जडेजा, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आता है कि चिंगलेसना सिंह खंजूजम जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद अजय ठाकुर जो कि कबड्डी से, उसके बाद तजिंदर पाल सिंह तूर जो कि एथलेटिक्स से, उसके बाद मोहम्मद अनास अय्या जो कि एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, उसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर जो कि पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स से, उसके बाद एस भास्करन जो कि बॉडी बिल्डिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद सोनिया लाथा जो कि बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद गौरव सिंह गिल जो कि मोटर स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके बाद भामिदीपति सिंह प्रणीत जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, उसके बाद प्रमोद भगत जो कि पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन है, उसके बाद अंजुम मोडगिल जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हरमीत राजुल देसाई जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, उसके बाद पूजा धांडा जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फवाद मिर्जा जो कि कुश्तियन से बिलोंग करते हैं, उसके बाद गुरप्रीत सिंह संधू जो कि फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, आप लोग इसे जानते ही होंगे, अच्छे फुटबॉलर है, उसके बाद पूनम यादव जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद सिमरन सिंह शेरगिल जो कि पोलो से बिलोंग करते हैं, उसके बाद सपना बर्मन जो कि एथलेटिक्स से। तो इस 19 स्पोर्ट्स पर्सन को जो है यहाँ पर इस साल ये अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है।
तो उसके बाद अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये जो दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है। ये शुरू किया गया था 1985 में, तो इसको यहाँ पर एनुअली अवार्ड दिया जाता है यूथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों ये जो सारा अवार्ड है ये सारा अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सुंदर सा आप लोग जो देख रहे हैं इसको ही दिया जाता है हर कोच को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे इस द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, तो वो थे बालाचंद्र भास्कर रेसलिंग की तरफ से, और ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के, और ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स से बिलोंग करते थे। तो इन तीनों जो कोच थे इन दोनों तीनों को ही यहाँ पर जो है फर्स्ट दिया गया था। उसके बाद अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड की इस साल की बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है कि विमल कुमार जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, उसके बाद संदीप गुप्ता जो कि टेबल टेनिस से है, उसके बाद महेंद्र सिंह ढिल्लों जो कि एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो इस साल के मिला है मेजबान पटेल जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद रामवीर सिंह खोकर जो कि कबड्डी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद संजय भारद्वाज जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इन सारे के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ध्यानचंद अवार्ड में कितना कितना सारा स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों ये जो शुरू किया गया था ये 2002 में शुरू किया गया था। तो 2002 में यहाँ पर जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे तो वो है सौरज बिराजदार जो कि बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद अशोक दीवान जो कि हॉकी से बिलोंग करते थे, और उसके बाद अर्णा घोष जो कि बास्केटबॉल से बिलोंग करते थे। तो इन तीनों जो स्पोर्ट्स पर्सन थे तो तीनों को ही पहले साल में दिया गया था। तो उसके बाद 2009 का अगर हम विनर की बात करें तो यहाँ पर मैनुअल फेल्डिंग जो कि हॉकी से है, उसके बाद अरूप बोसक जो कि टेबल टेनिस सर है, उसके बाद मनोज कुमार जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद नितिन कीर्तने जो कि टेनिस से बिलोंग करते हैं, एंड सी लाल रेम संगा जो कि आर्चेस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इन सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन की हमने बात की इन सभी को मिला है जो कि ध्यानचंद अवार्ड। दोस्तों ये जो अभी नाम आप लोगों ने सुना और देखा ये गवर्नमेंट में जो जितना सारा यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एक एक एग्जामिनेशन के लिए इसको पढ़ना नहीं, ये मतलब एक साल तक आप लोगों को इस यहाँ से ही आप लोगों को क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का यहाँ पर SSC PSC मतलब जितना सारा आप लोगों को एग्जामिनेशन होगा तो उन सब में ये इम्पोर्टेंट हो चुका है, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना होगा। सो मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको आप लोगों को जो है रटना नहीं है, आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से एक बार देखते हुए जाइए। जितना ज़्यादा देखेंगे आप लोग उतना ज़्यादा आप लोग को एग्जामिनेशन के टाइम आप लोग अपने मन में याद हो जाएगा, और आप लोग इस आंसर को देखते ही आप लोग इसको पहचान जाएंगे कि ये आंसर इसका ही है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक बार देख लेना है, और आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उस सभी के लिए एक बार एक दिन पहले या 2 दिन पहले या रेगुलर अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है इसको याद करना सीख जाएंगे। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।